Hello friends, दोस्तों, welcome back to our channel Crazy Rides 23. A special thanks to our encouragers Ramesh Verma and Associates, commercial and residential realtors, Dr. Neha Sharma from Pareri Winds Dental, Quality Transmissions and Complete Automotive Services, and UEJ Jewelers. कि हमारी क्रेजी राइड थोड़ी सी डिफरेंट होगी. सो टुडे आर फोकस वुड बी ऑन द रियल एस्टेट इन कैलगरी. तो रियल एस्टेट इन जनरल ही बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, ऊपर नीचे होता रहता है, और कैलगरी में आप सब जानते ही हैं अभी थोड़ा अप में ही जा रहा है. तो हमने सोचा हम अपने वन ऑफ द इनकरेजर्स मिस्टर रमेश वर्मा एंड एसोसिएट्स, जो कैलगरी के कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियलिटर्स हैं, उनसे मिलते हैं और थोड़े क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी राय जानते हैं. व्हाट डज ही सजेस्ट ऑन रियल एस्टेट? क्या जो न्यू कमर है उसके लिए सही टाइम है बाय करना? हाँ जी, मुझे लगता है कि जैसे हम बात करें फर्स्ट टाइम होम बायर्स की, जी बिल्कुल, तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए हम नॉर्मली वी डोंट सजेस्ट कि वो वेट करें. अच्छा, अनलेस वी आर ऑन ए पीक ऑफ द मार्केट, बहुत ही ज़बरदस्त पीक हो, बहुत ज़बरदस्त उछाल आया हो सडनली, बहुत तेज़ी वाला, उस टाइम पे हम सोच सकते हैं कि चलो पीक पे है, डिक्लाइन करेगी मार्केट सडनली, ऐसा चांस अगर दिखाई दे रहा है देन वी कैन से कि ओके आप वेट कर लीजिए थोड़ा 6 महीने आप. लेकिन जब इस टाइप की सिचुएशन होती है जो अभी है, इस टाइम मार्केट की अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि काफ़ी लोग मूव हो रहे हैं, जैसे भी ऑल जी बिल्कुल. तो जब लोग मूव होते हैं तो उनके रिक्वायरमेंट है कि उनको घर चाहिए अल्टीमेटली, आज नहीं तो कल जी. तो उसके अंदर होता क्या है कि जो छोटे जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के जो घर हैं उनकी प्राइसेस गिरने के एज सच कोई चांसेस नहीं देख नहीं रहे फर्स्ट टाइम. तो इस टाइम पे थोड़ा बहुत ऊपर जाने के चांसेस जरूर हैं, लेकिन नीचे आने के फर्दर छोटे घरों के चांसेस नहीं हैं. तो इसलिए हम नई रिक्वेस्ट यानी कि सजेस्ट करते हैं कि वो रुकें इस टाइम पे. तो इस टाइम पे उनको ले लेना चाहिए डेफिनेटली. तो आप ये अगर आप हमारे प्रोग्राम को सुनेंगे अर्षी, तो यही रहेगा कि अगर आप न्यू कमर हैं और फर्स्ट टाइम हाउस बायर हैं तो ज़रूर आप डेफिनेटली अपना घर खरीदें. हाँ, जो महंगे घर हैं, जो मे बी सेकेंड टाइम होम बायर की अगर हम बात करें, जो चाह रहे हैं कि 7 लाख का 8 लाख का घर लेना, अपग्रेड करना चाहते हैं, इफ दे वांट दे कैन डेफिनेटली स्टे, रुक सकते हैं और वेट फॉर द इंटरेस्ट रेट्स टू ड्रॉप. होपफुली 2025 में कम आएंगे ऐसा अंदेशा हो रहा है, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल. लेकिन अगर वो रुकना चाहें 1-2 साल उस चीज़ के लिए तो डेफिनेटली रुक सकते हैं. लेकिन लोग ये कहते हैं रमेश जी के कैनेडा के अंदर घर खरीदना इज नॉट राइट चॉइस, क्योंकि उनको लगता है कि रेंट पे रहना ही ठीक रहता है. ये मिथ है कि ये सच्चाई है? नहीं, ये तो नो ब्रेनर है, रेंट पे रहना ठीक नहीं रहता है डेफिनेटली, क्योंकि रेंट पे जो भी आप मनी दे रहे हैं दैट इज़ गोइंग इनटू समबडी एल्स पॉकेट, और वो तो आपको कोई उसका बेनिफिट हो नहीं रहा है उस पैसे का. जो आप घर जब ओन करते हैं आप, तो उसमें धीरे धीरे आप इक्विटी बिल्ड अप करते हैं घर के अंदर. तो डेफिनेटली शुरू के अंदर जो आपका काफ़ी हिस्सा जो है 60% के करीब वो इंटरेस्ट में जाता है, 40% के करीब प्रिंसिपल के अंदर जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो 40% जा रहा है ना. और द चांसेस आर लॉन्ग रन के अंदर, छोटे जब हम साइकिल देखते हैं तो मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर अगर हम देखते हैं कि 15 ईयर्स के अंदर क्या हुआ, आज से 15 साल पहले क्या था, तो उस टाइम पर आपको हमेशा इंक्रीज़ ही मिलेगा उस प्राइस के कंपेरिजन. तो लॉन्ग रन में तो आपने रहना तो है ही है, जब रह रहे हैं तो रहना ही है. तो आपने 10-15 साल बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे फिर आपको लगेगा वो राइट डिसीजन था, लेकिन अगर आप 1-2 साल के अंदर उसको रिव्यू करना स्टार्ट कर देंगे मैंने अच्छा किया कि नहीं बाय करके, वो ठीक नहीं होगा. इट विल बी टू क्विक टू एनालाइज समथिंग लाइक दैट. क्या बात है. तो आपको घर के बारे में और घर खरीदने के बारे में, मॉर्टगेजेस के बारे में अगर आपको सही राय चाहिए तो आप रमेश वर्मा जी से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें. इनका फ़ोन नंबर, ईमेल आपको हमारे इस एपिसोड में हम लोग ज़रूर बताएंगे. सेकंड एस्पेक्ट है रमेश जी का जिसके लिए जाने जाते हैं कैलगरी के अंदर रशी, वो है कमर्शियल. देख सकते हो हमारे कि ये एक कमर्शियल प्लाजा बना है और इसके बारे में हमें रमेश जी थोड़ा बताएंगे. रमेश जी, किसी ने अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी कोई राइट टाइम होता है कि जब प्लाजा बन रहा हो, जब नींव खुदनी शुरू हो गई है उस टाइम बस बाय कर लो? उसमें 1-2 अलग अलग सी चीज़ें हैं जी. एक चीज़ ये भी है कि जो आपने अभी बात की कि नींव खुदनी, तो एक्चुअली नींव खुदने से पहले जब लैंड पास हो जाए उस समय बस क्रीट डालो है.
जी, तो वो अगर जो बिकने वाले हैं जी कम होते हैं, जो बिकने वाले हैं ज़्यादा होते हैं, जो लीज़ के लिए, लीज़ के आगे हम खड़े हैं ये लीज़ के लिए। अच्छा अच्छा, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में वैसे हम बता देता हूँ, इसमें मेन फ्लोर के ऊपर कमर्शियल होगा। अच्छा, और ऊपर थ्री फ्लोर जो है वो अपार्टमेंट है, जो रेंटल अपार्टमेंट। अच्छा, तो अच्छी लोकेशन है मेडिकल है, एक आइसक्रीम शॉप आ रही है, इससे एक क्लोथिंग स्टोर आ रहा है जी। अच्छा, खुल चुकी हैं शॉप, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, प्लस अपना ग्रॉसरी स्टोर है, बेसिकली यही नीड्स होती हैं। और बड़ी कन्वीनियंट लोकेशन है, अपना मेडिस के साथ में, प्लस अपना यहाँ पर जो दूसरा प्लाजा है वो भी सामने, सवाना बाजार भी सामने ही है, बहुत ही अच्छा ढंग है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है इस प्लाजा के अंदर स्पेशली कि इसमें एटलीस्ट 4 शॉप्स के करीब हैं जो छोटी हैं। अच्छा, जनरली छोटी शॉप्स हैं तो ये जो है वो तकरीबन 700-800 की शॉप की है इसके। अच्छा, जनरली जो है 1100-1200 के करीब होता है एक शॉप जो है, तो जिसकी रिक्वायरमेंट है छोटी शॉप के लिए, तो ही इस गुड से गुड प्लेस पर। तो आपने अगर इस कमर्शियल प्लाजा के बारे में बात करनी है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो रमेश जी से जरूर बात करें। आई बिलीव ही हैज द बेस्ट यू नो नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। रमेश जी, क्या आपका मैसेज है कैलगेरियंस को? हमेशा वैसे ये रहता है कि एक दूसरे की हेल्प करें, सारे इकट्ठे मिलकर ग्रो करें, क्या यही जिंदगी है। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी मैसेज के साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। मैं करते हैं कि अगर आप अच्छी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, तो जाना माना नाम पूरी कैलगरी के लिए रमेश वर्मा जी, आप जरूर उनसे बातचीत करें। If you enjoyed our video, do give it a thumbs up. If you liked it, do subscribe to our channel for more such videos and share with your family and friends so they can enjoy our video too. And we would love to know your experience, so do comment. It would be great to hear from you. Also, through our channel, we try to promote local and small businesses, and it would be great to have the support of our viewers for the same. Thank you and take care.